हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण और उसके भेद के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय अधिबोधक के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। ये किस प्रकार अविकारी शब्द हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध बोधक, संबंध को बताने वाले शब्द, ठीक है, वो अविकारी शब्द है जो संबंध को बताने वाले शब्द है। जैसे देखिए इधर, जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। अब देखो इधर, ये वाक्य मैंने लिखा हुआ है, वाक्य में आए शब्द, ठीक है, ये वाले शब्द अन्य वाक्यों के साथ में संबंध को जोड़ रहे हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब देखो अविकारी शब्द कैसे हैं, ये संबंध तो है क्योंकि ये क्या है, कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह है तो आपस में ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जोड़ने का काम तो समुच्चय बोधक भी करते हैं, लेकिन ये क्या है, संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर माँ और बच्चे का संबंध है, ठीक है, हमारा और माँ का संबंध है, यहाँ पर पेड़ और घोड़े का संबंध है, ठीक है, और यहाँ पर भी पेड़ और घोड़े का संबंध है, तो ये क्या कर रहे हैं, शब्द संबंध को स्थापित कर रहे हैं। जैसे इधर देखिए, बच्चा माँ के साथ चल रहा है, ठीक है, बच्चा माँ के साथ चल रहा है। अब किसके साथ में चल रहा है बच्चा, माँ के साथ में, तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है, तो के साथ चल रहा है, के साथ, और ये वाला जो वर्ड है वो इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध को बता रहा है ये, ठीक है, हम माँ के साथ चल रहे हैं। अब देखो बच्चा माँ के साथ चल रहा है, तो बच्चा क्या है यहाँ पर, एक वचन है, और हम क्या है यहाँ पर, बहुवचन है, ठीक है, तो बहुवचन के साथ भी के साथ आया, और एक वचन के साथ भी यहाँ पर क्या आया, के साथ आया, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ना वचन के साथ चेंज हो रहा है ये, ठीक है, किसी के भी साथ चेंज नहीं होगा। ऐसे शब्द हैं जो संबंध को बताते हैं और किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अविकारी शब्द। इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ऐसे ही यहाँ पर देखो, पेड़ के नीचे घोड़ा बंधा है, ठीक है, पेड़ के नीचे, अब पेड़ के नीचे बंधा है तो पेड़ का और घोड़े का संबंध है, ठीक है, ऐसे ही पेड़ के नीचे घोड़े बंधे हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक घोड़ा है, और यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है, तो ये वचन, एक वचन, एक वचन, और ये क्या है, बहुवचन है, वचन के अनुसार भी ये क्या हो रहे हैं, ये वाले शब्द चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहे इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है, और संबंध को स्थापित कर रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे का संबंध यहाँ पर हमें पता चल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं और संबंध को बताते हैं, वो होते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द, संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, समुच्चय बोधक शब्द। अब देखिए समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों को और दो वाक्यों को या वाक्यांश को जोड़ने के काम करते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जो कि लिंग वचन काल के अनुसार वो चेंज नहीं होते, इसलिए इन शब्दों को भी हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए इधर, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे इधर देखिए, हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द जोड़े गए हैं, किससे जोड़े गए हैं, फल और सब्जियों को जोड़ा है, किससे हमने, और शब्द से जोड़ा है। अगर यहाँ पर ऐसे होता, सीता और गीता जा रही हैं, ठीक है, तो लिंग के अनुसार भी वो चेंज नहीं हो रहा, हम और वे जा रहे हैं, ठीक है, हम और वे, हमने वे और हम दो शब्दों को जोड़ा है, लेकिन ये वचन भी है, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, वचन के अनुसार भी और शब्द नहीं चेंज होगा, ना ही ये समय के अनुसार, ना लिंग के अनुसार ये चेंज होगा, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है, दो
शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन सा शब्द और शब्द, जो कि कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। इसलिए ये क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है ये समुच्चय बोधक शब्द है और अविकारी शब्द होते हैं ये। जैसे इधर देखिए, अभी अमन विद्यालय नहीं गया क्योंकि क्योंकि वह बीमार था। देखो अमन विद्यालय नहीं गया, अभी एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा, पूरा हो गया है कि अमन विद्यालय नहीं गया। अगर हम इस सेंटेंस को नहीं देखें आगे, क्योंकि वह बीमार था, अगर यहाँ पर हम इसको मतलब इसमें पूर्ण विराम लगा देते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने दूसरा सेंटेंस भी उसमें जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया है इसको, क्योंकि शब्द से हमने इसको जोड़ दिया है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, क्योंकि ने किया। और जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और ये अविकारी शब्द होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ना तो लिंग के अनुसार, ना वचन के अनुसार, ना काल के अनुसार ये चेंज होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। देखिए विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, वो भी अविकारी शब्द होते हैं, क्यों होते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं, जो हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, दुख को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए, वाह क्या मौसम है, ठीक है, तो वाह वाह मौसम, क्या मौसम है, ठीक है, तो यहाँ पर वाह शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, खुशी को प्रकट कर रहे हैं, वाह, ठीक है, आनंद को प्रकट कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ओहो कितनी तकलीफ में है, ओहो अब हम यहाँ पर क्या प्रकट कर रहे हैं, दुख को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर दुख और ये कैसे चेंज नहीं होते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, अरे तुम आ गए, ठीक है, अरे तुम आ गए, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अरे तुम सॉरी अरे राम तुम आ गए। अब देखिए यहां पर ये तुम शब्द क्या है, बताओ, सरनाम है और बहुवचन है, ठीक है, तुम आ गए। या यहां पर देखो राम तुम आ गए, यहां पर राम क्या है, एक वचन है, तो वचन के अनुसार भी ये चेंज नहीं हुआ, अरे शब्द दोनों के साथ में ही लग रहा है, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। न तो ये समय के अनुसार, या फिर यहाँ पर हम समय कर देते हैं, आ गए थे, अरे तुम गए थे, अरे तुम गए थे, तो थे क्या हो गया, भूतकाल हो गया, तो समय के अनुसार भी ये चेंज नहीं हो रहे हैं। विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब आप इस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इनकी जो एक्सरसाइज इनके पीछे दी हुई है वो आप फिल करें अपने आप से, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके आंसर बताऊंगी। ओके, बाय बाय।